हम लोग कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। सही है, तो जिस चीज को टारगेटेड है उसको देखना चाहिए, जो चीज हाथ से चली गई उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। राइट, हम लोग ने फोटोसिंथेसिस पढ़ना चालू किया था, इसमें हम लोग ने काफी चीजें पढ़ डाली हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज एटीपी का निर्माण कैसे होगा और फिर इस एटीपी का यूज कैसे होगा। एटीपी बना कहाँ था? लाइट रिएक्शन में। यूज कहाँ होगा? डार्क रिएक्शन में। एटीपी बनेगा लाइट रिएक्शन में, यूज कहाँ होगा? डार्क रिएक्शन में। समझ में आई बात? और हमने आपको बताया था एलएचसी क्या होता है, एंटीना क्या होता है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है, ठीक है ना, फोटो सिस्टम क्या होते हैं, किस तरीके से जेड स्कीम काम करेगी, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में भी आपको बताया था। देखो इस फिगर को देखो, लाइट रिएक्शन में वाटर यूज हो रहा है देखो, और कौन सी गैस निकल रही है, और देखो सनलाइट आ रही है ग्रेना पे तो लाइट रिएक्शन हो रही है। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्या डार्क रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए? लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? द प्रोडक्ट ऑफ सनलाइट। ये देखो प्रोडक्ट इधर बना है, एटीपी और NADPH2, ठीक है ना। ये देखो डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम केल्विन साइकिल, तो CO2 से बन जाता है CH2O का होल N। CH2O का होल N क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो लाइट रिएक्शन में वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होगा, लाइट रिएक्शन में ऊर्जा बनी जो यूज होगी डार्क रिएक्शन में, क्या बनाने में? खाना बनाने में, यानी CO2 को फिक्स करने के लिए। CO2 फिक्सेशन का मतलब है CO2 तो अभी गैस है ना, उसको रोक लो, उसको रोक लो और किसके अंदर डाल दो? ग्लूकोज के अंदर, तो फिक्स हो गया। इसी को बोलते हैं CO2 फिक्सेशन या फिर कार्बन फिक्सेशन। सही है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम लोगों को नोट्स बनाने किस पे? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। बोलो कि बन चुके हैं, बनाने हैं कि बन चुके हैं? हाँ, तो चलो जल्दी से केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। या हाइपोथेसिस एनसीईआरटी में लिखा है। देखो ये थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया, याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी वैलिड है। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ईटीएस के दौरान एटीपी बनने को एक्सप्लेन करती है। ईटीएस के दौरान एटीपी बनने को एक्सप्लेन करती है। यानी एटीपी दो जगह बनती है, एक बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरी बनती है क्लोरोप्लास्ट में। और एटीपी बनने को क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। यू नो वेरी वेल, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन ईटीएस इज नोन एज फास्फोराइलेशन। और ये किस पर बेस्ड थी? एटीपी का बनना एक ग्रेडियंट पर बेस्ड था, याद मत करो, बनना प्रोटॉन ग्रेडियंट पर आधारित होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब हाइड्रोजन आयंस का अंतर, हाइड्रोजन आयंस का अंतर। तो एटीपी का बनना प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड होता है। एटीपी का बनना किस पर बेस्ड है? प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड होता है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आते हैं। पहले पहला क्वेश्चन क्या आता है, ये जो केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी वैलिड है, क्लोरोप्लास्ट के लिए भी वैलिड है, और किसको एक्सप्लेन करती है, ईटीएस के दौरान एटीपी बनने को एक्सप्लेन करती है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन ईटीएस इज नोन एज फास्फोराइलेशन, और एटीपी का बनना किस पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पर आधारित है। व्हाट इज ग्रेडियंट, हाइड्रोजन आयन का अंतर, किसी भी जगह ग्रेडियंट वर्ड यूज हो जाए तो हाइड्रोजन आयन का अंतर बोलेंगे, या किसी का भी अंतर बोलेंगे जो भी लिखा हो। जैसे मैं बोलूं आयरन ग्रेडियंट तो एक तरफ आयरन ज्यादा दूसरी तरफ कम, मैं बोलूं सोडियम ग्रेडियंट तो एक तरफ सोडियम ज्यादा दूसरी तरफ कम, मैं बोलूं पोटेशियम ग्रेडियंट एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम। अच्छा, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन यानी श्वसन के समय, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के समय, दोनों समय अभी आपने बताया कि एटीपी बनता है तो कोई तो अंतर होगा। देखो काम करने के प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है, पर नाम में थोड़ा सा अंतर है। क्या है देखो जरा, यहां पे होता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर आप सब जानते हो कुछ ऐसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। आपको बता दें हाइड्रोजन आयन का अंतर पैदा करना है तो पहले ये इस बात को बताएं, ये आउटर मेम्ब्रेन, और मैं मेम्ब्रेन को एम लिख दे रहा हूं, ये इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच का स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस पढ़ते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आप केवल स्पेस भी पढ़ लो क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेस लिखा है। यहां पर एक लिक्विड भरा होता है, नाम आप बताओगे, मैट्रिक्स, इस लिक्विड का नाम मैट्रिक्स। अब आपको बता देना चाहते हैं इस जगह पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, किस जगह पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है, यहां पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, यहां पे H प्लस आयन मोर है, जबकि यहां मैट्रिक्स में H प्लस आयन लेस है, ठीक है, और यहां पर पाया जाता है आपको याद होगा ये F नॉट F1 पार्टिकल, सुना होगा F नॉट जो अंदर धसा हुआ है, F1 जो उभरा हुआ है, आपने सेल में पढ़ा था, F नॉट जो अंदर धसा होता है ऐसा दिखता है, रिफली याद दिला, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो ये जो अंदर धसा रहता है F नॉट, जो बाहर उभरा हुआ है F1, इसी को ऑक्सीसोम भी कहते हैं, तो यहां पाया जाता है F नॉट F1 पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पे ATP यहां बनता है, ATP कहां बनता है, इस तरफ ATP यहां बनता है, यहां पर ATP बनता है, ATP कहां बन रहा है, F नॉट पर कि F1 पर, F नॉट पर कि F1 पर, जो अंदर धुसा हुआ है वो F नॉट है, जो बाहर उभरा हुआ है वो F1 है, तो कहां बनता है, F नॉट पर कि F1 पर, हाँ। और हमेशा याद रखो ATP कब बनता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, जिधर प्रोटॉन ज्यादा है उधर से किधर की तरफ बनेगा, कम की तरफ, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बताओ किधर ज्यादा है, स्पेस में, किधर कम है, मैट्रिक्स में कम है, ठीक है ना। तो ये अब बताओ जब इधर से हाइड्रोजन इधर जाएगा तो अपनी सारी ऊर्जा एडीपी को दे देगा, एडीपी विल बी कन्वर्ट इनटू एटीपी, ठीक। एक तो यहां का केस हो गया, यहां का केस देखो, यहां पे क्या होगा, यहां क्लोरोप्लास्ट में बनता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, और ये रहा आपका ग्रेना, ठीक है ना, ग्रेना। अब यहां पर देखो कहां बनेगा, यहां पर सेम एफ नॉट पार्टिकल कुछ इस तरीके से है, इस जगह लगे हुए हैं, ये अंदर का दसा हिस्सा, ये बाहर का उभरा हिस्सा, ठीक है ना। अब लेकिन उसको बोलते थे एफ नॉट, यहां थोड़ा सा अंतर कर दो, यहां सी एफ नॉट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, वहां पे बोलते थे क्या F1, यहां क्या बोलोगे CF1, बाकी काम वही है, काम वही है, क्या ADP को किसमें बदल देना, ATP में,
ठीक है ना, काम वही है। अब इस सवाल ये कि इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता किधर ज्यादा होगी, आप खुद बताओ। यहाँ पे H प्लस आयन क्या होंगे, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन में एच प्लस आयन क्या होंगे, मोर, बताया था। अच्छा, और ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में एच प्लस आयन क्या होंगे, लेस। और मैंने अभी अभी क्या सिखाया है कि हमेशा एटीपी किधर बनती है, फ्रॉम हाई टू लो। तो देखो यहाँ हाई है और स्ट्रोमा में लो है, इधर से इधर हाइड्रोजन भागेगा तो अपनी सारी ऊर्जा एडीपी को दे देगा एंड एडीपी विल बी कन्वर्ट इनटू एटीपी। समझ में आई बात, ये है। अब दोनों जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। दोनों जगह जो थ्योरी है वो ये कहना चाहती है कि जो भी जब भी कभी एटीपी बनता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट द्वारा ही बनता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के बाद जब उसे ब्रेक करेंगे तभी बनेगा। मेंटेन करने पर बनेगा कि ब्रेक करने पर? हाँ, ब्रेक करने पर। अच्छे से समझा दिया आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के नीचे यहां पे एटीपी कहां बन रहा है, एटीपी इज सिंथेसाइज सिंथेसाइज इन, बोलो बोलो, मैट्रिक्स, यहां मैट्रिक्स में बन रहा है, जबकि यहां कहां बन रहा है, इन स्ट्रोमा, यहां स्ट्रोमा में बन रहा है, ठीक है। यहां पर एटीपी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रहा है, इन दिस केस एटीपी इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे विद द हेल्प ऑफ बोलो सनलाइट, या लाइट भी बोल सकते थे, एक ही तो लाइट अल्टीमेट सनलाइट। यहां पे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो इस जगह पर हम प्रोसेस को बोल सकते हैं दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बोलो सही है, क्योंकि फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना। अब चूंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यहां देखेंगे, यहां पे बोल सकते हैं फोटो, क्योंकि लाइट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फोटो। और एटीपी बनने को क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन। तो एक जगह बन रहा है एटीपी की मदद से और एक जगह बन रहा है एक जगह बन रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस से और एक जगह बन रहा है सनलाइट की प्रेजेंस से। एक जगह पे बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और एक जगह पे क्या बोलेंगे, एक जगह पे बोलेंगे फोटो फास्फोराइलेशन। इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, व्हाइल इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट इज नोन एज फोटो फास्फोराइलेशन। अब हमें तो ये डिटेल में पढ़ना है, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट नहीं है, अभी तो ये चैप्टर चल रहा है, तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है। यानी पहले यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को मेंटेन करेंगे और फिर ब्रेक करेंगे। जब मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी, जब हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी तो हम इसी एनर्जी से क्या बना लेंगे, एटीपी। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को थायलाकॉइड मेम्ब्रेन, इस समय जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है कौन सी है, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें H प्लस आयन ग्रेडियंट यानी हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को कहां पे, किसके अक्रॉस, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस मेंटेन करना पड़ेगा। पहले मेंटेन करेंगे फिर उसको ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, इसी ऊर्जा को एडीपी को दे देंगे, एडीपी विल बी कन्वर्ट इनटू एटीपी। इज दैट क्लियर?
अब देखो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट इज मेंटेन इन थ्री स्टेप्स, इज मेंटेन्ड इन थ्री स्टेप्स। वो तीन स्टेप्स कौन से हैं, उसके पहले आपको फिगर याद दिला रहा हूं। दिस इज अ वन थैलेकोइड, सो दिस इज थैलेकोइड मेम्ब्रेन जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। इंपॉर्टेंट बात, अब आप बोलोगे कि सर क्लोरोप्लास्ट तो डबल लेयर्ड है, क्या डबल लेयर्ड के अंदर सिंगल लेयर्ड वाले चीज नहीं हो सकती? तो फिर दिस इज सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, ठीक है ना, डबल नहीं होती है, सिंगल होती है। आप बोलेंगे सर आपने तो डबल बनाया, देखो इसको ऐसे समझो, ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, समझ रहे हो ना, है तो एक ही लेयर। अब आगे इन्हीं में पाए जाते हैं, क्या इन्हीं में पाए जाते हैं, आपको पता होगा इन्हीं में पाए जाते हैं जगह जगह पर कुछ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये इधर है आपका ल्यूमेन, बाहर क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा, बाहर भरा हुआ है वो लिक्विड स्ट्रोमा, इधर लिख देता हूं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की तरफ H प्लस आयन लो होगा, ल्यूमेन में H प्लस आयन ज्यादा होगा, कैसे अभी देखते हैं। ये है आपका रिएक्शन सेंटर पीएस टू का, ये है रिएक्शन सेंटर पीएस वन का, ये है आपका पीएस टू, ये है पीएस वन, अंदर ही लिख देते हैं। दिस इज पीएस टू, दिस इज पीएस वन। इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं दोनों के, वो बाहर बाहर होते हैं। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इधर है, नाम इसका नाम है फियोफाइटिन। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बाहरी की तरफ होता है, नाम होता है FES, FES। इसके बाद होता है फेरोडॉक्सिन, होता है इसके बाद होता है फेरोडॉक्सिन, तो मैं लिख देता हूं यहीं पे एफ डी फेरोडॉक्सिन। उसके बाद होता है क्या, उसके बाद यहीं पर एन ए डी पी प्लस, किस में बदलेगा, एन ए डी पी एच टू में, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इतनी चीजें। ये है आपका ईटीएस का पार्ट साइटोक्रोम V6 और F, ठीक है ना। यहां होता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर बाहर की तरफ, नाम है पीक्यू, याद है पीक्यू, इधर बैठा होता है पीसी अंदर की तरफ, प्लग की तरह काम करता है, कल बताया था आपको, है ना। अब लाइट आएगी, आने दो, इस पे गिरेगी, गिरने दो, कितने की लाइट आएगी, 680 से कम की तरफ, तो ये रिसीव करेगा, इधर आएगी 680 से ज्यादा वाली, तो ये रिसीव करेगा, हाँ 680 से ज्यादा 700 ही होगा नैनोमीटर। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड होंगे तो यहाँ पे ये रिसीव करेगा, यहाँ से इधर चला आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ध्यान देना। फिर ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। जब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, जब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पंप कर देगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पंप कर देगा, कहाँ का हाइड्रोजन, स्ट्रोमा का हाइड्रोजन यहाँ पंप कर देगा, ध्यान देना। इसको थोड़ा इधर उधर कर देते हैं तो जगह मिल जाएगी। इसका नाम है फियोफाइटिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस टू।
यहां से हाइड्रोजन पिकअप किया गया, सॉरी यहां से हाइड्रोजन आयन पिकअप किया गया और ये देखो अंदर ड्रॉप कर दिया गया। ये एक हाइड्रोजन पंप की तरह काम करता है। पंप का काम क्या होता है हमेशा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। बाहर देखो लो है तो लो से पिकअप करेगा मॉलिक्यूल को और किधर भेज देगा, हाई की तरफ, तो अंदर हाई है, इसीलिए ये पंप है। और पंप के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप था वो भी बिना ऊर्जा के काम नहीं करता था, तो इसको भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ऊर्जा तो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो ये बताओ ये हाइड्रोजन पंप करेगा फ्री में कि एनर्जी खर्च करके? अच्छा क्यों, क्योंकि कहीं पे भी पंप वर्ड आ जाए तो हम समझ जाएंगे ये लो सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ भेज रहा है मॉलिक्यूल्स को, यानी इट ट्रांसफर द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोमा इनटू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ल्यूमेन विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी। इज दैट क्लियर? जब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करता है तो अपना हाइड्रोजन भी अंदर पंप कर देता है, इसलिए बाहर कमी आ जाती है और अंदर अधिकता हो जाती है। जरा यहाँ सुनो, एक और कारण सुनो जो अंदर अधिक करता है, यहाँ पे ओईसी पाया जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, पीएस2 के पास होता है कि पीएस1। जब लाइट आती है तो ये वाटर को तोड़ देता है, वाटर को तोड़ेगा, जब वाटर टूटेगा तो बताओ क्या होगा, तब भी तो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, तो हाइड्रोजन आयन अंदर और बढ़ गए, हाइड्रोजन आयन अंदर और बढ़ गए, बाहर कम हो रहा है अंदर बढ़ रहे हैं। और एक आखिरी बात सुन लो, ये इधर से तो इलेक्ट्रॉन लेगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, देखते जाओ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से होते हुए कहां पहुंचा, पीसी के पास, पीसी से कहां पहुंचा, पीएस1 के पास, पीएस1 से कहां पहुंचा, यहां पर पहुंच गया, यहां से कहां पहुंचा, इधर पहुंच गया, यहां से इधर पहुंच गया, और इसके ऊपर देखो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहां से देखो स्ट्रोमा में H+ आयन है ना, स्ट्रोमा में H+ आयन है, यहां से H+ आयन ले लेगा, यहां से H+ आयन ले लेगा, ठीक है, यहां से इधर से ले लिया H+ आयन, ये ऐसे स्ट्रोमा से ले लिया H+ आयन, इधर से ले लिया इलेक्ट्रॉन, आप बताओ किसमें बदल जाएगा, एंड दिस इज द, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना ना, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो तीसरा, इसने कम कर दिया, इसने बाहर से हाइड्रोजन पिकअप किया क्या ल्यूमेन से, बाहर से, तो बाहर और कमी आ गई, बाहर और कमी आ गई। तीन कारण बताओ, पहला कारण क्या है, पानी का फोटोलिसिस कहाँ होता है, तो H+ आयन अंदर बढ़ेगा कि बाहर बढ़ेगा। दूसरी बात, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से एक कैरियर से दूसरे कैरियर के बीच जाते हैं तो बीच में कहां से पास होते हैं, हाइड्रोजन कैरियर को कि इलेक्ट्रॉन कैरियर से, हाइड्रोजन कैरियर से पास होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पास किया जाएगा तो मजबूरी है PQ अपना हाइड्रोजन अंदर पंप कर देगा, अगर इलेक्ट्रॉन ले जाना है तो PQ अपना हाइड्रोजन जरूर 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 पंप करेगा, और पंप करने के लिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और बाहर की तरफ H+ आयन लो है, अंदर की तरफ ज्यादा। तो दो कारण समझ में आ गए, बाहर कम इसने किया पंप ने और अंदर इसने बढ़ाया, दो कारण। तीसरा और आखिरी कारण, स्ट्रोमा में H+ आयन लो है, ठीक है ना, और यहीं से हाइड्रोजन पिकअप कर लिया गया, किसने पिकअप किया, NADP+ ने। अब बताओ, एक तो ऑलरेडी कम था, इसने और ले लिया, और ले लिया तो और कमी आ गई, और कमी आ गई, ये बदल गया NADPH2 में, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। कुल मिला के क्या समझ में आया, स्ट्रोमा में H+ आयन कम होते जा रहे हैं और ल्यूमेन में बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट देखो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मेंटेन हो गया, बाहर हो गया कम, अंदर हो गया ज्यादा, इज दैट क्लियर। और सुनना, मैंने क्या बोला था, कब ATP कब बनेगा, ATP तब बनता है, देखो यहाँ पे होता है ये CF0 पार्टिकल, और CF0 पार्टिकल को हाइड्रोजन आयन चैनल भी कहते हैं, प्रोटॉन चैनल, H+ आयन को प्रोटॉन कह सकते हैं ना, तो यानी कि हाइड्रोजन आयन चैनल बोलते हैं। और सुनो, यहां से एक चीज उभरी होती है, इस उभार को क्या बोलेंगे, CF1, और ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों यानी ये होता है ATP सिंथेसिस साइट, एक है हाइड्रोजन चैनल और एक ये, और दोनों किसके पार्ट है, दोनों है ATP सिंथेस के पार्ट, दोनों एक एंजाइम के पार्ट है, एंजाइम का नाम ATP सिंथेस एंजाइम। बताओ CF0 और CF1 इज द पार्ट ऑफ
एटीपी सिंथेस एंजाइम, इसमें दो भाग होते हैं, एक जो अंदर धंसा हुआ है और एक जो बाहर उभरा हुआ है। आपको पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन अंदर धंसी होती है उसे बोलते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन, बोलो, या इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्रोटीन बाहर उभरी होती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। याद आ रहा है पेरिफेरल प्रोटीन? और आपको पता है एंजाइम्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन। मैंने ये नहीं बोला कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से देख लो, दो तरह की प्रोटीन का बना था, सीएफ नॉट इंट्रेंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, और ये वाला एक्सट्रेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। जब हाइड्रोजन आयन यहां से पास होता है, देखो ये तो हाइड्रोजन के लिए पंप के चैनल की तरह काम करेगा ना, तो जब हाइड्रोजन के आयन यहां ज्यादा हाइड्रोजन की काम और यहां बाहर कम है, तो हाइड्रोजन इधर से इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर से इधर आएगा। जब हाइड्रोजन इधर से इधर आ रहा है, कहां से आ रहा है, फ्रॉम हाई टू लो, तो यहां लिख देता हूं एच प्लस आयन। आपको अच्छे से पता है कि यहां हाई है तो मैं लिख देता हूं हाई है, और आपको अच्छे से पता है बाहर की तरफ स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा में लो है, लो है तो इधर हाई है, इधर लो है। इसके पास इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि उसी ऊर्जा के कारण इस चैनल से बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन इसे सिंपल डिफ्यूजन नहीं कहेंगे। देखो अगर बिना बिना प्रोटीन के गुजर रहा होता तो इसे क्या बोलते थे, सिंपल डिफ्यूजन, चूंकि ये प्रोटीन से पास होके आया तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सब कुछ याद होगा आपको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो जब ये आएगा तो इतनी ऊर्जा है ना कि इसके आकार में बदल देगा, किसके आकार को बदल देगा, CF1 के आकार को बदल देगा। जब ATP सिंथेस का आकार बदल जाएगा, तो पहले आकार ऐसा था, अब आकार ऐसा हो गया, अब इसमें सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। जब एंजाइम में सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा तो बताओ सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और सबस्ट्रेट क्या था, ATP, और प्रोडक्ट क्या बना, ATP, ATP बन जाएगी। मैं सीधे शो कर दे रहा हूं, ये देखो इसने क्या किया, ये देखो ये एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, ATP सिंथेस। इसने सबस्ट्रेट को बांध लिया, सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है हमारा, सबस्ट्रेट कौन सा है, लिख दे सबस्ट्रेट का नाम है ATP। और आपको पता है एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देते हैं, बताओ बायो मॉलिक्यूल में पढ़ा होगा, तो यहां पे बन गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम ATP, ये प्रोडक्ट बन गया। और यही हमें एक्सप्लेन करना था इस थ्योरी से कि हाउ ATP सिंथेसाइज बाय द विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट। अच्छा बताओ प्रोटॉन ग्रेडिएंट ब्रेक हुआ कि मेंटेन हुआ, पहले क्या किया मेंटेन, अब क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करने पर ऊर्जा मिलेगी कि मेंटेन करने पर, इतनी ऊर्जा मिलेगी कि इसके आकार में परिवर्तन आ गया, एंजाइम के आकार में परिवर्तन आ गया, एंजाइम के आकार में परिवर्तन आ गया। अब देखो ये इसमें फिट हो जाएगा, जैसे इसमें फिट हुआ द सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज, और लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना, लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इज दैट क्लियर, नोट डाउन। ये लिखा देते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या हुआ। और पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, तीन स्टेप में होता है, पहला स्टेप क्या था, देखो पहला स्टेप में क्या होगा, वाटर की हाइड्रोलिसिस, वाटर की फोटोलिसिस या हाइड्रोलिसिस एक ही बात है, वाटर की फोटोलिसिस या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ल्यूमेन साइड होती है कि स्ट्रोमा साइड, ल्यूमेन साइड होती है, इसी कारण एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ जाती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं, बढ़ जाती है। चलो एक तो ये कारण है, चलो दूसरा जब PS2 का इलेक्ट्रॉन किसी कैरियर को सौंपा जाता है या दिया जाता है, दिया नहीं लिखो, ट्रांसफर किया जाता है, तो
ये काम हाइड्रोजन कैरियर द्वारा किया जाता है। ये काम हाइड्रोजन कैरियर, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर द्वारा किया जाता है। और ये हाइड्रोजन कैरियर है कौन? प्लास्टो क्यूरॉन, है ना, प्लास्टो क्यूरॉन। जब प्लास्टो क्यूरॉन एक कैरियर से, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से, जब प्लास्टो क्यूरॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे कैरियर तक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, तब हाइड्रोजन आयंस को लो कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में स्ट्रोमा, लो कॉन्सेंट्रेशन कहां था? स्ट्रोमा से हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां था? ल्यूमेन की तरफ पंप कर देता है। पंप मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एटीपी कर देता है। इसका, इससे क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि स्ट्रोमा में H+ आयन में कमी आई और ल्यूमेन में H+ आयन में अधिकता आ गई। बोलो क्लियर, इतनी बातें क्लियर? स्टेप टू एंड स्टेप ए एंड स्टेप बी इज क्लियर। तीन स्टेप थे तो ए बी या 1-2 लिख लो, जैसा आपकी इच्छा। हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फोटोलिसिस बोला था, फाइटोलिसिस लिख गया, फोटोलिसिस। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट, यानी सी वाला पॉइंट, कि एक और तीन रीजन बताए थे ना, अभी कितने रीजन हुए हैं? दो। अब तीसरा रीजन सुनो, सी पॉइंट, कौन सा रीजन है बताओ? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम किस साइड होता है? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जहां एनएडीपी प्लस होगा, एंजाइम प्रेजेंट इन स्ट्रोमा जो एनएडीपी प्लस को किस में बदलता है? एनएडीपी प्लस को इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में, है ना, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में, ये भी तो चाहिए ना इसे, प्रेजेंस में NADPH2, ब्रैकेट में आपको बार बार बोला है कि NADPH और प्लस H+ लिखते हैं, लेकिन सरल बनाने के लिए NADPH2 बोलते हैं, में बदल देता है, में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो क्या समझे, NADP+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, वो तो मिल रहा है उसे, और क्या चाहिए? हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन कहां से पिकअप करेगा? फ्रॉम स्ट्रोमा। और एंजाइम भी कहां पे है? एंजाइम स्ट्रोमा में है। नाम क्या है? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। तो फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट का नाम NADPH2। तो देखो यहां से हाइड्रोजन यहां से कम हो जाएगा ना, फ्रॉम स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कमी आ जाएगी। कंक्लूजन ये निकला कि इस रिएक्शन के बाद H+ आयन घट जाएगा, कहां पे? इन स्ट्रोमा। अब देखो आफ्टर थ री स्टेप्स, ये तीनों स्टेप्स जब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम स्ट्रोमा में चेक करते हैं और हम ल्यूमेन में चेक करते हैं, तो स्ट्रोमा और ल्यूमेन और बीच में है एक थैलेकोइड मेम्ब्रेन, याद आया? स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में क्या है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन। मैंने बोला था मेम्ब्रेन के एक तरफ हाइड्रोजन ज्यादा हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ कम, तो स्ट्रोमा में लो हो गया, लो H+ आयन, और यहाँ पे ल्यूमेन में हाई H+ आयन हो गया, और बीच में है थैलेकोइड मेम्ब्रेन, यानी थैलेकोइड मेम्ब्रेन के एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, बाहर की तरफ ज्यादा है
और अंदर की तरफ कम नहीं बाहर की तरफ कम है अंदर की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब क्या मेंटेन हो गया, हाइड्रोजन ग्रेडियंट इज मेंटेन, हाइड्रोजन ग्रेडियंट इज मेंटेन। अभी हाइड्रोजन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ है कि ब्रेक, मेंटेन्ड, अभी अभी मेंटेन कर लिया हम लोगों ने, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को मेंटेन कर लिया आफ्टर थ्री स्टेप्स। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी। बढ़े आगे, नोट करिए जल्दी से। अब नाउ वी विल ब्रेक हाइड्रोजन ग्रेडियंट, हाइड्रोजन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ेंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारी ऊर्जा, a lot of energy will be released, a lot of energy will be released, will be released। कैसे रिलीज होगी जरा देखो, इधर मान लिया ये ल्यूमेन है, यहां H प्लस आयन ज्यादा है, बाहर है स्ट्रोमा, यहां H प्लस आयन लेस है, तो जरा सोचो यहां धसा हुआ था क्या सी एफ नॉट पार्टिकल, यहां पे उभरा हुआ था क्या ये सी एफ नॉट, सी एफ नॉट या ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल भी बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब पूरा आर पार, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, या मैंने एक और नाम दिया था प्रोटॉन चैनल, या प्रोटॉन चैनल भी बोलते हैं, प्रोटॉन चैनल, यहीं से प्रोटॉन डिफ्यूज करके आएंगे। कि कौन सा डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन, दे ट्रांसफर द प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऐसा डिफ्यूजन जिसमें बीच में प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाए उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और अभी आपको बताया था ये प्रोटीन के बने होते हैं, एंड दिस वन इज नोन एज सी एफ वन, ये उभरा होता है, ठीक है। अब बताओ प्रोटॉन इधर से इधर भागेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी एनर्जी है, तो ये इसके आकार में चेंज कर देगा, सी एफ के शेप में चेंज कर देगा, शेप चेंज। हाइड्रोजन आयन के आने से, हाइड्रोजन आयन जब इधर से इधर पास हुआ तो शेप में चेंज कर दिया, जब शेप में चेंज हो गया तो इसने क्या किया, इसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया। अब सबस्ट्रेट क्या था, एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको कैसे बदल दिया, एटीपी में। इस तरह से क्या हो गई, ऊर्जा जनरेट हो गई जब हमने इसको ब्रेक किया हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को, तो बहुत सारी ऊर्जा जनरेट हो गई, ठीक है। तो जब भी एच प्लस आयन को ब्रेक करेंगे बहुत सारी ऊर्जा जनरेट होगी, और इसी ऊर्जा के कारण ये आप देखो इसके आकार में चेंज आ गया, सी एफ नॉट के शेप में चेंज आ गया। जब सी एफ नॉट के शेप में चेंज आ गया तो इसने सबस्ट्रेट को किसमें बदल दिया, दिस इज सबस्ट्रेट, ठीक है ना। और ये एंजाइम है, सी एफ वन एंजाइम है, ठीक है ना, सी एफ वन एक्ट एज एंजाइम, और ये है सबस्ट्रेट, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और एटीपी बनने को ही बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में बन रहा था। इज दैट क्लियर, जब एच प्लस आयन अधिक सांद्रता से कम की तरफ जाते हैं तो इतनी ऊर्जा जनरेट करते हैं कि उसी ऊर्जा के कारण सी एफ वन जो कि एंजाइम का विशेष भाग है, मेन पार्ट होता है, दो भाग होते हैं एंजाइम में, सी एफ नॉट जो दशा रहता है, सी एफ वन जो उभरा रहता है, एंजाइम का नाम था एटीपी सिंथेस, और ये एंजाइम जो है ये इसका मेन भाग है, तो सी एफ वन के आकार में क्या होता है, चेंज आ जाता है। जब आकार में चेंज आएगा सबस्ट्रेट को बांध लेगा, द सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट इज नाउ नोन एज एटीपी, और यहां पर एटीपी किसकी प्रेजेंस में बना है, लाइट, दैट इज व्हाई नोन एज क्या बोलेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन, एंड यू नो वेरी वेल इट इज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो कि ईटीएस के दौरान ये एक्सप्लेन करती थी कि एटीपी कैसे बनेगा, अब हमें क्लियर हो गया है। इट इज बेस्ड ऑन द एच प्लस आयन ग्रेडियंट, ये किस पर बेस्ड है,
H प्लस आयन या प्रोटॉन ग्रेडियंट पर। और हमने क्या देखा कि जब हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन किया तब ऊर्जा नहीं मिली, जब हमने उसको ब्रेक किया तो इतनी ऊर्जा मिली कि जब वो CF नॉट पार्टिकल से इधर क्रॉस हुआ तो इसी ऊर्जा के कारण इसके आकार में परिवर्तन आ गया। CF1 के आकार में परिवर्तन आते ही इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बांध लिया एंड द एंजाइम विल एंजाइम कन्वर्ट्स इट्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। आपको पता है हर एंजाइम विशेष होता है, तो ये इसी सबस्ट्रेट को बांधेगा और इसी को प्रोडक्ट में बदलेगा। अगर हम बात करें कोई और सबस्ट्रेट इसको दें तो क्या ये बांध पाएगा, तो क्या कन्वर्ट कर पाएगा? तो यू नो वेरी वेल, तो इस तरीके से ये एंजाइम काम करता है। अच्छा, आपने भी सुना होगा कि ये एंजाइम विशेष पीएच पर काम करते हैं, सुना है नहीं सुना है? तो बताओ इसको विशेष पीएच कहां से मिलेगा, इसको विशेष पीएच कहां से मिलेगा? देखो आपने पढ़ा था कि जब एच प्लस आयन यहां कम हो रहा है तो देखो यहां एच प्लस आयन ज्यादा है तो बताओ यहां का पीएच कम, और जब पीएच कम हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है, और जब एसिडिक पीएच हो जाएगा यहाँ पे तो इसको पर्टिकुलर पीएच अपना पता चल जाएगा और ये एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो हमें पीएच वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि बताओ कहाँ का पीएच कम हो जाता है, ल्यूमेन का। जैसे ल्यूमेन का पीएच कम होगा एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे। यू नो वेरी वेल एंजाइम ना तो अधिक टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं ना लो, सॉरी हाँ ये भी बात सही है, ना अधिक टेम्परेचर पे काम करते हैं ना लो, और ना ही अधिक पीएच पे काम करते हैं और ना ही लो। जब पर्टिकुलर पीएच उन्हें मिल जाता है तो दे विल एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट करके ये क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। दैट मीन्स की सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देंगे। और यही थी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जिसको एक व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया था, नाम बता देता हूँ, पीटर मिचेल, PETER पीटर MICHELL मिचेल, नाम पूछा नहीं जाता लेकिन दिमाग में डाल दिया कि कभी ऑप्शन में आ जाए तो पीटर मिचेल, जो कि एक बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन की थी। इज दैट क्लियर? अच्छा बताओ लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या मिल चुका है? लाइट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, केमी ऑस्मोटिक भी हमें समझ में आ गया। लाइट रिएक्शन से हमें क्या क्या मिला? तो लाइट रिएक्शन से हमें मिला ATP प्लस NADPH2। हम लोग इसको बोले थे एसिमिलेटरी पावर, बोले थे एसिमिलेटरी पावर। और मैंने कल बताया था आपको कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है केमिकल एनर्जी में, एंड दिस केमिकल एनर्जी विल बी यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को हमने बोला C3 साइकिल, और हमने इसको एक और नाम दिया केल्विन साइकिल, या एक और नाम दिया बायोसिंथेटिक पाथवे। सवाल यह है कि ऑक्सीजन कहां चली गई? वायुमंडल में, ऑक्सीजन में बनी थी, पर ऑक्सीजन कहां चली गई? इन एटमॉस्फेयर, और किसके काम आएगी? फॉर रेस्पिरेटरी प्रोसेस, याद आया? It will be used for respiratory process. तो अब क्या चालू होने वाली है? डार्क रिएक्शन या फिर C3 साइकिल या केल्विन साइकिल या फिर बायोसिंथेटिक पाथवे। अच्छा हमने आपको क्या बोला था, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ रही है, पर डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, डार्क रिएक्शन का नाम, डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं पड़ा, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, इसलिए नहीं पड़ा कि ये डार्क में या अंधेरे में होती है, कि ये डार्क में होती है, बल्कि इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, यू नो वेरी वेल, ATP और
NADPH2 की नीड होती है। अब समझ में आई बात, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे में चलती है। कहते हैं इसका कोई वेरिफिकेशन दो, दे रहे हैं, रुक जाओ नोट करो फिर दे रहे हैं। कहते हैं बताओ हमको कि ये दिन में ही चलती है, बताएंगे भी कैसे चलती है, ये बात कैसे वेरीफाई होगी कि ये दिन में ही चलती है, या लाइट की प्रेजेंट, लाइट के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करती है। मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी ने क्या कहा, मान लो एक पौधा लगा है, मान लो एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, और लाइट आ रही है, तो ऑब्वियसली इसमें एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा होगा। और तब खाना बन रहा था तो हमने देखा तो इसमें शुगर भी बन रही थी, तो इसमें शुगर भी बन रही थी, शुगर फॉर्मेशन भी हो रहा था, हमने टेस्ट किया तो शुगर फॉर्मेशन भी हो रहा था। अब हमने लाइट बंद कर दी, हमने इसको लाइट देना बंद कर दिया, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मतलब इसको धूप से उठा के अंधेरे कमरे में रख दिया, फिर हमने देखा तब भी इसमें क्या बन रहा था, शुगर, तब भी इसमें शुगर फॉर्मेशन कंटिन्यू था, तब भी इसमें शुगर फॉर्मेशन कंटिन्यू था, कब तक, जब तक कि ये पावर अवेलेबल हो तब तक, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि अभी भी, क्योंकि अभी भी इसमें लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट अवेलेबल था, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट अवेलेबल था। जब ये प्रोडक्ट, हमने ये भी नोटिस किया ये शुगर कब तक बनी, तो जब ये प्रोडक्ट फिनिश्ड हो जाता है, जब ये प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है तो शुगर बनना, तो शुगर बनना बंद हो जाती है। अब हमने सोचा लाओ फिर लाइट में रख के देखें, फिर से हमने सनलाइट में रखा तो फिर से क्या हुआ, फिर से शुगर फॉर्मेशन कंटिन्यू। तो क्या पता चल रहा है कि लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है, अगर लाइट पर डिपेंड करती तो यहां शुगर कैसे बन जाता, अंधेरे में, अंधेरे कमरे में शुगर बन रहा है। इससे पता चलता है कि लाइट की रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। जब प्रोडक्ट खत्म हो गया तो खाना बनाना बंद कर दिया। सूरज जब डूब जाता है तो भी करीब आधे घंटे 45 मिनट तक खाना बनता है पत्तियों में, कब तक, जब तक कि उसमें ऊर्जा अवेलेबल है। इज दैट क्लियर, तो शुगर फॉर्मेशन फिर से कंटिन्यू हो गया, इससे वेरीफाई हो गया कि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। अब आइए देखते हैं कि लाइट रिएक्शन के बाद जो डार्क रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज, देखो ये फेज कहां चलती है और इस साइकिल को किसने खोजा, दिस साइकिल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई मेल्विन केल्विन एंड बेंसन। एनसीईआरटी में बेंसन नहीं दिया लेकिन दोनों ने मिलकर खोजी थी, हालांकि लीडर यही थे तो नाम पड़ गया केल्विन साइकिल। इन इन एक ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा का नाम क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला में खोजा था, विद द हेल्प ऑफ ए रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन दैट इज C14। ये रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन होता है। और आपको पता है
ये WW2 के बाद हुआ था ये खोज, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद हुई थी, जिसमें पहली बार जिसमें रेडियो एक्टिव चीजों का, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फर्स्ट टाइम बेनिफिशियल यूज किया गया था। इससे पहले लोगों को यही पता था, यही जानकारी थी कि रेडियो एक्टिव तत्व तो विनाशकारक होते हैं। पहली बात पता चला कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हम लाभदायक यूज भी कर सकते हैं। ये पहली बार मेल्विन केल्विन को क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। तो ये खोज WW2 के बाद हुई, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पहली बार बेनिफिशियल यूज किया गया। ठीक है, इन्होंने इस साइकिल को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया और यह भी बताया कि पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है। इन्होंने यह भी बताया कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, केल्विन नॉट ओनली डिस्क्राइब्ड द होल बायोसिंथेटिक फेज but also told about the first stable product, first stable product of carbon dioxide, that is, naam kya tha iska, That is PGA. PGA का पूरा नाम होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। शॉर्ट में बोलते हैं PGA। शॉर्ट में बोलते हैं 3PGA। 3PGA का मतलब ये नहीं है कि इसमें 3PGA है। 3PGA का ये मतलब है, इसको ऐसे देखो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। आपने IUPAC पढ़ी होगी, आपने देखा होगा हम किसी भी चीज की पोजीशनिंग को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखो फास्फेट कहाँ बैठा हुआ है, जरा देखो थर्ड पोजीशन पे। तो नाम क्या पड़ा, ये एक ऐसा एसिड है जिसमें 3 कार्बन है। और दूसरी बात, यहाँ पर फास्फेट किस कार्बन पे बैठा हुआ है, थर्ड। तो नाम क्या पड़ा, 3PGA। पूछा जाता है कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। इसीलिए साइकिल का नाम क्या पड़ा, C3 साइकिल पड़ा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का नाम बताओ, उसमें कार्बन की संख्या, इसीलिए साइकिल का नाम। और किसने खोजा था, इसीलिए दूसरा नाम केल्विन साइकिल। C3 साइकिल का दूसरा नाम केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के बारे में इतनी जानकारियां मिल गई, और यही वो साइकिल है, इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द ओनली पाथवे बाय विच CO2 इज फिक्स्ड इनटू फूड या ग्लूकोस, यानी खाना बनाने का यही एकमात्र पाथवे है, चाहे दुनिया की कोई भी ग्रीन प्लांट की बात करें। दिस इज द वन एंड ओनली पाथवे बाय विच द फूड इज सिंथेसाइज। इवन C4 साइकिल भी जब चलेगी ना, तो भी खाना कौन बनाएगा, C3। याद आया, C4 प्लांट्स में भी खाना कौन बनाता है, C3। तो C4 क्यों चली थी, टू रिड्यूस द चांस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर, वो क्या होता है आपको बता चुका हूं और आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा, ये 3 स्टेप में चलती है। कितने स्टेप में चलती है, 3 स्टेप में चलती है। जैसे केमी सिंथेटिक भी कितने स्टेप में चली थी, 3 स्टेप 1। 3 स्टेप कौन से होते हैं, फार्मूला होता है CR स्क्वायर। तो पहले C से कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, देखो
स्टोबेटा के द्वारा, स्टोबेटा यानी रंध्र के द्वारा कौन एंटर करता है? CO2। ये एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में CO2 थी, CO2 अंदर आ गई। ये कहां चल रही है साइकिल? ये चल रही है मेसोफिल सेल के स्ट्रोमा में कि ग्रेना में? मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के कहां पे डार्क रिएक्शन कहां होती है? हाँ, तो स्ट्रोमा में चल रही है साइकिल, ध्यान देने की बात है। ग्रेना वाली हो गई, ग्रेना वाली साइकिल कंप्लीट हो गई, स्ट्रोमा वाली चल रही है। दिस इज द प्लेस इन विच बायोसिंथेटिक फेज टेक्स प्लेस, इज दैट क्लियर? CO2 आई, CO2 आने के बाद, CO2 आने के बाद CO2 को कोई तो पकड़ेगा ना, CO2 को कोई पकड़ेगा भैया, गैस है, गैस है, गैस को कोई पकड़ने वाला तो चाहिए, तो पकड़ने वाला है, दिस इज RuBP, ये है CO2 एक्सेप्टर, CO2 एक्सेप्टर, इसका पूरा नाम है राइबुलोज, राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, और ये पांच कार्बन का कंपाउंड है। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन, पांच कार्बन, और फॉस्फेट कहां बैठा हुआ है? वन पे भी बैठा हुआ है और फाइव पे भी बैठा हुआ, तो भाई बोलेंगे ना, ये देखो ऐसा दिखता है। पहले हमको कंफ्यूजन था कि ये तीन कार्बन का है, दो कार्बन का सॉरी, बाद में पता चला कि ये पांच कार्बन का है, ये साइंटिस्ट ने रिसर्च कर लिया, कैसे पता चला वो बाद में बताएंगे, ठीक है ना? तो ये देखो, एक कार्बन ये है, पांच कार्बन ये है, अब बताओ ये इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जो दुनिया की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बनी है, नाम बताओ रुबिस्को, इसका दोगलापन तो जानते ही हो, ड्यूअल नेचर का कि सिंगल नेचर का? अच्छा, इस समय किसकी तरफ ये कर रहा है? कार्बोक्सिलेज, क्योंकि CO2 को पकड़ेगा तो कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा तो ऑक्सीजनेज, क्या किसकी तरफ ये कर रहा है, जल्दी बोलो किसकी तरफ ये कर रहा है? कार्बोक्सिलेज, क्योंकि CO2 को पकड़ रहा है। अब प्रोडक्ट बनाएगा, सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में बदल देते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का नाम है देखो PGA, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम PGA, तीन कार्बन, एक दो तीन, फास्फोरस कहां बैठा हुआ है? तीन पे, है ना, फास्फोरस बैठा हुआ तीन पे, तो ऐसा दिखेगा, इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, अभी बताया था ना, तभी तो साइकिल का नाम क्या बना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, तभी तो साइकिल का नाम क्या पड़ा। सो दिस साइकिल इज नोन एज, कौन सी साइकिल? C3 साइकिल, क्योंकि पहले स्टेबल प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कितनी है, तो नाम पड़ा C3 साइकिल, नाम पड़ा C3 साइकिल, और यहां पर एक विशेष एंजाइम काम आया जो दुनिया का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन का बना है, दिस इज रुबिस्को। पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना? PGA। कार्बन की संख्या कितनी है? तीन। बता RuBP फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, कार्बन की संख्या कितनी है? पांच। अच्छा बताओ, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, पांच कार्बन ये वाले, तो बताओ एक और पांच कितने हो गए? छह। तो यहां पे छह कार्बन है कि तीन कार्बन? तीन कार्बन है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? दो मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? बस यही थी रिएक्शन, ना तो इसमें कहीं एटीपी यूज होगा, इसी को बोलते कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का आरयूबीपी से जुड़ना और जुड़ के क्या बना देना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज PGA, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, देयर इज नीड ऑफ ड्यूअल एंजाइम, ड्यूअल नेचर एंजाइम दैट इज रुबिस्को, और ये रिएक्शन चल रही है स्ट्रोमा में, ग्रेना में कि स्ट्रोमा में, जल्दी जल्दी बताओ। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? CO2 का जोड़ना, CO2 किसके साथ जोड़ा? RuBP के साथ, और इसके लिए एंजाइम चाहिए, कौन सा एंजाइम? RuBP, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, पहला स्टेबल प्रोडक्ट का नाम PGA, PGA का पूरा नाम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड इसमें कार्बन की संख्या तीन, इसमें कार्बन की संख्या पांच, इसमें कार्बन की संख्या एक, तो एक और पांच छह होना चाहिए था, अगर छह कार्बन का कंपाउंड बनता तो एक बनता, चूंकि यहां तीन कार्बन के बने तो दो बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना है, इसीलिए कंफ्यूजन था भाई, हमको लगता था कि ये तीन कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, ये एक कार्बन, तो इसमें कितने होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए थे? इधर देखो, इसमें एक कार्बन लगता था, और प्रोडक्ट बन रहा है कितने कार्बन वाला, तो हमको क्या लगता था, ये जो CO2 एक्सेप्टर है इसमें कितने कार्बन होंगे, तो हम कंफ्यूज थे, बाद में धीरे धीरे हमारी कंफ्यूजन दूर हुए कि हमको पता चला कि नहीं, तीन कार्बन का एक कंपाउंड नहीं बनता है, बल्कि तीन कार्बन के दो कंपाउंड बनते हैं, तो इसमें कितने कार्बन हुए? पांच। इज दैट क्लियर? नोट करने की बहुत जरूरत है, क्या
कि इन दिस रिएक्शन दिस इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस आगे नहीं बढ़ेगी, दिस इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप, यानी सबसे महत्वपूर्ण, क्रूशियल का तात्पर्य यह है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल स्टेप। दूसरी बात, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसिमिलेटरी पावर, इस स्टेप में कोई पावर वावर नहीं चाहिए, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे क्रूशियल स्टेप था, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सेकेंड प्रोसेस यानी बी, 1-2 डाला कि हाँ बी, तो बी हो गई आपकी आर से रिडक्शन, आप CO2 का कराओ रिडक्शन, मतलब पीजीए का कराओ रिडक्शन। इसमें क्या करेंगे, पीजीए का जो मॉलिक्यूल है, 2 पीजीए के मॉलिक्यूल को हम क्या कराएंगे, अब हम रिड्यूस कराएंगे, इसका कराएंगे रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए एनर्जी, इसके लिए 2 चीजें चाहिए, रिक्वायर्स एनर्जी जो मिलेगी ATP से, और एक चाहिए एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो मिलेगा किससे, NADPH2 से, तब जाके यहां बनेगा 2। अच्छा ये बताओ, एसिड को रिड्यूस कराएंगे तो क्या बनता है, पता है, यहां लिख देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी भी एसिड को रिड्यूस कराओ, एसिड इसको बोलते ना COH, इसको रिड्यूस कराओगे तो बनेगा ये, क्या होता है ये, एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड बनेगा, बोलो सही कह रहा हूं ना, एसिड को रिड्यूस कराओगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, अभी तो वो एसिड है तो यहां बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, इसका पूरा नाम लिखते हैं फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, इसी को PGAL बुलाते हैं, इसी का एक और नाम है, ये एक तरह की सुगर है, सुगर, तो सुगर के आगे लगाते हैं ओस, और इसमें कितने कार्बन है, कार्बन उतने ही रहेंगे जितने इसमें है, 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, कार्बन उतने ही है, 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन की सुगर है, तो इसका नाम पड़ गया, और करके लिख रहा हूं ट्रायोस, 3 है इसलिए ट्राई लगाया, सुगर है इसलिए ओस, ट्रायोस सुगर, दिस इज ट्रायोस सुगर है, ट्रायोस सुगर। और इस स्टेप में कितना, यहां नोट करके लिखें, इस स्टेप में कितने ATP और कितने NADPH2 चला गया, जितने मॉलिक्यूल है यहां पे बताओ कितने मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल है तो हर एक के लिए एक एक चाहिए, तो कितने टोटल लगेंगे, 2 ATP और 2, इन दिस स्टेप देयर इज नीड ऑफ 2 ATP एंड 2 NADPH2 to fix 1 molecule of CO2, 1 molecule of CO2, 1 molecule CO2 को fix करने के लिए 2 ATP और 2 NADPH इस step में खर्च होंगे, मतलब ये step खर्चीली है ना। और सुनो, important बात ये है, इसमें कितने कार्बन है, टोटल कार्बन बताओ कितने हो गए, अरे इसमें 3 कार्बन तो 2 मॉलिक्यूल है, टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन 6 हैं, जिसमें से 5 अलग कर दो, 5 का हिसाब हम बाद में देंगे, 1 कार्बन जो है वो ग्लूकोज का कौन सा भाग बनाएगा, 6वां भाग, भाई एक ही कार्बन CO2 से मिला है ना, तो एक ही कार्बन फिक्स होगा ना, बाकी 5 कार्बन कहाँ है, बाकी 5 कार्बन का हिसाब होल्ड करके रखो, ये स्टेप में क्लियर हो जाएगा। देखो 6 कार्बन में से 1 कार्बन से ग्लूकोज का 6वां भाग बन जाएगा, और जो 5 कार्बन बचे ना, ये वो वापस बना देगा, क्या बनाएगा, अगर किसी साइकिल को चलाना चाहते हो तो जहां से चालू हुए थे उस प्रोडक्ट को भी बनाना पड़ेगा, चालू करने वाला प्रोडक्ट कौन सा था, कितने कार्बन थे, तो वही 5 कार्बन है, वो इसमें बदल जाएंगे। समझ में आई बात,
समझ में आई बात? बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गई पिक्चर कि ये जो पांच कार्बन है बचा के रखे हैं अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप का नाम क्या है? रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये पांच कार्बन से RUBP दोबारा बना लेंगे ताकि रिएक्शन बिना रोक टोक के चलती रहे, ताकि साइकिल कंप्लीट होती रहे। तो ये जो पांच कार्बन बच चुके हैं इनका क्या किया जाए? इनसे दोबारा जहां से साइकिल चली थी वो बना लेते हैं। चलो अगला स्टेप है सी वाला, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब पुनः बना लेना। रीजेनरेशन ऑफ क्या बनाएंगे? RUBP कितने कार्बन वाला? पांच कार्बन वाला। तो PGAL फास्फोग्लिसरल डिहाइड के दो मॉलिक्यूल में से, याद दिला रहे हैं दोबारा, एक एक कार्बन से क्या बन गया था? ग्लूकोज का छठवां भाग। जो पांच कार्बन थे उससे क्या बन जाएगा? उससे RUBP सिंथेसिस हो जाएगी। RUBP सिंथेसिस हो जाएगी जो साइकिल को, जो C3 साइकिल को लगातार, जो C3 साइकिल को लगातार चलाती रहेगी। बोलो सही है? क्योंकि अगर ये नहीं बनता तो साइकिल कंप्लीट ही नहीं होती, लगातार चलाती रहती है। तो ये भी पांच कार्बन, RUBP में पांच कार्बन। लेकिन समस्या एक आ गई। क्या समस्या आ गई? इसके पास, PGAL के पास कितने फास्फेट है? इधर देखो, इसका मैं ऐसे बना दूं, 1, 2, 3, और यहां बैठा हुआ फास्फेट, बोलो, एक फास्फेट है ना, एक फास्फेट है। अगर PGAL के पास एक फास्फेट है, लेकिन इनके पास कितने फास्फेट है? दो फास्फेट है। बना के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, एक फास्फेट यहां बैठा हुआ है 1 पे, एक फास्फेट बैठा हुआ है 5 नंबर पे, तभी तो वर्ड क्या आया है भाई? फास्फेट, यहां एक फास्फेट है, यहां एक फास्फेट, दो फास्फेट है, एक फास्फेट कहां से लाए? ATP से। यूज ऑफ 1 ATP, यहां एक ATP यूज हो रहा है, NADPH2 यूज नहीं होगा। 1 ATP फॉर द रीजनरेशन ऑफ 1 RUBP, फॉर द रीजनरेशन ऑफ 1 RUBP, एक RUBP बनाने के लिए एक ATP यूज होगा, RUBP, ठीक है। और ये भी नोट करके, ये भी कि दिस इज ऑल्सो क्रूशियल स्टेप। ये वो था मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ये क्रूशियल स्टेप, ऑल्सो क्रूशियल स्टेप, यानी इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑफ कैल्विन साइकल। अच्छा बताओ, एक CO2 के फिक्सेशन के लिए, पहले इधर देखो, जवाब दो पहले, एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कुल कितने चीजों की जरूरत पड़ी, कुल कितनी एसिबिलिटी पावर लग गई? यहां पे एक भी नहीं लगी थी, ये देखो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ATP। पहले स्टेप में 0, दूसरे स्टेप में 2 ATP और 2 NADPH, तीसरे स्टेप में सिर्फ और सिर्फ 1 ATP। तो कुल कितने ATP की जरूरत लगी? सुनना, रुक जाओ, ये हो गया। अच्छा, एक CO2 के फिक्सेशन के लिए, एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कुल कितनी ATP व NADPH2 की नीड हुई? जरा जवाब दो। ये हुई आपकी 3, ये हुई 2। अच्छा, और इसके बाद कितना ग्लूकोज बना? इसी का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूं, कितना ग्लूकोज बना? आंसर आएगा G/6, छठवां भाग बना। तो सुनना मेरी बात, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितने CO2 फिक्स कराने पड़ेंगे? हमें 6 CO2 फिक्स करना होगा और 6 टाइम्स कैल्विन साइकिल चलानी होगी। तो हम यहां नीचे लिख देते हैं, NCERT का टेबल है, एक CO2 के लिए और 6 CO2 के लिए, एक CO2 के लिए खर्चा कितना हुआ था?
एक CO2 के लिए खर्च हुआ था 3 ATP, एक CO2 फिक्स करेंगे तो 6 CO2 फिक्स करेंगे तो क्या होगा 3 ATP 2 NADP H2, तो बना था ग्लूकोज का छठवां भाग। यहां पे कितने करेंगे 18 ATP और 12 NADP H2, देखो ये भी एक क्वेश्चन आ गया, तो बनेगा ग्लूकोज पूरा पूरा। बोलो सही है, बिल्कुल क्लियर है, नोट डाउन।